हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। आज मैं ये गुलाब का फूल बनाने को बताऊंगी कैसे मैं बनाई हूँ। 3 खंड का ये गुलाब का फूल है, ये देखिए 3 खंड का गुलाब का फूल बनाई हूँ। इसे हम पिंक कलर से बनाना बताऊँगी मैं। पहले 6 चैन लेंगे, गुलाब बनाने पहले 6 चैन लेकर दो वाप एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और बीच में से डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। 4 बार डबल कुर्सियाँ बनाएंगे, 2, 3, 4 चार डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। इसके बाद में बिना फंदे लिए, ये देखिए बिना फंदे लिए इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ये दूसरा गुलाब का फूल बनाएंगे तो उसके लिए भी 4 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। ये देखिए 2, 3, 4 चार डबल कुर्सियाँ बनाकर बिना फंदा लिए हुए इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 2 फूल हमारा बन गया। अब हम तीसरा बनाएंगे उसी तरीके से, जिस तरीके से 2 बनाए उसी तरीके से 4 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। 4 डबल कुर्सियाँ बनाने के बाद में 5वें में ज्वाइन करेंगे। देखिए अब इसको 5वें को ज्वाइन करें। देखिए पहले हमारा 3 फूल से स्टार्ट होता है ये गुलाब का फूल बनाना। पहले 3 फूल बनाएंगे, इसके बाद में 4 चैन लेकर 4 चैन लेंगे और उसको उल्टा फूल को घुमाकर उल्टे में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फिर से 4 चैन लेंगे, ये देखिए 3 बनाए। अब इन दूसरे लाइन में हम लोग 4 फूल बनाएंगे। पहले लाइन में हमें 3 फूल बना था, अब इन दूसरे में 4 फूल बनेगा। उसके लिए 4 चैन लेंगे और देखिए 2 बनाए और ये तीसरा बनाएंगे। घर चैन का घर बनाएंगे, 4 घर चैन का बनाएंगे, उसमें फूल भी से बनाएंगे। 3 हमारा बन गया। चौथा ये चैन है ना, उसमें ही ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से 4 घर मेरा बन जाएगा। चैन फिर ज्वाइन करने के बाद उस चैन में 5 डबल कुर्सियाँ बनाऊंगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 डबल कुर्सियाँ बनाऊंगी और फिर 6वें बिना फंदे लिए उसको ज्वाइन करेंगे। अभी दूसरे घर में बनाएंगे, उसमें पहले बिना फंदा लिए उसको ज्वाइन करेंगे पहले। इसके बाद ज्वाइन करने के बाद में 5 डबल कुर्सियाँ बनाऊंगी। देखिए 1, 2, 3 ये हमारा 4 डबल कुर्सियाँ बना है। 5 डबल कुर्सियाँ बनाने के बाद में देखिए फिर से बिना, देखिए 5 हमारा डबल कुर्सियाँ बिना फंदे लिए इस फूल को ज्वाइन कर लेंगे उसी घर में। फिर अब दूसरे घर में बनाएंगे फूल, इसके लिए पहले बिना फंदे लिए उसको ज्वाइन करके फिर 5 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा घर में इसी तरीके से फूल बनाएंगे। 5 5 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे और 6वें में ज्वाइन करेंगे उसको। ये देखिए 5 घर बनाकर 6वें में ज्वाइन कर लेंगे। अब ये हमारा 4वां घर, 4वें घर में हम फूल एक और बनाएंगे। ये 3
चार, पाँच, पाँच घर बना लेंगे। इसके बाद बिना फंदे लिए इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा यह दूसरा घर भी, दूसरा फूल भी तैयार हो गया। ये देखिए पहला, दूसरा, दूसरे खंड का बनाइए, तीसरे खंड का बनाइए, तीसरे, देखिए तीसरे खंड में हमारा ये छह फूल बना है। तो इसमें नीचे से चार चैन लेंगे पहले, फिर से उल्टा करेंगे, इसमें चार चार चैन लेकर उसको ज्वाइन कर दे। फिर ये छह घर का हम चैन छह घर का बनाएंगे। पहले लाइन में हमने तीन फूल बनाया था, दूसरे में चार और तीसरे में छह फूल बनाएंगे। ये देखिए चार चार चैन लेंगे इसी तरीके से, फिर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए तीसरा, ये चौथा, चौथा हम फूल में बनाएंगे। छह घर का चैन बना लेंगे हम। ये देखिए चौथा या पांचवा इसमें बने हैं। फिर से चार चैन लेकर ये छठा चैन पहले चैन में और ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये छह घर का चैन बन गया है। अभी छह घर में हम फूल बनाएंगे। इसे पांच डबल कुर्सियां फिर से बनाएंगे। पांच डबल कुर्सियां बनाने के बाद फिर से पांच कुर्सियां बनाने के बाद उसको ज्वाइन कर लेंगे। अब दूसरे घर में बिना फंदा लिए उसको ज्वाइन करेंगे पहले, और फिर से पांच डबल कुर्सियां बनाऊंगे। फूल उसी तरीके से बनेगा जैसे पहले बनाए थे, उसी तरीके से ये भी बनेगा। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँगी आपको मिल जाएगा। इसे ये बहुत ही इजी तरीका है गुलाब का फूल बनाने का। आप बहुत ही आसानी तरीके से ये बना सकते हैं। ये देखिए पांच घर बनाने के बाद छठे में ज्वाइन करेंगे। फिर से दूसरे घर में हम डबल कुर्सियां बनाएंगे। चार, ये पांच डबल कुर्सियां बनाने के बाद छठे को ज्वाइन कर लेंगे बिना फंदे लिए। ये देखिए एक, दो, ये तीन, चार, पांच, पांच डबल कुर्सियां बन गया हमारा। फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमारा पांच फूल बन गया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छठा फूल बनाएंगे। एक, दो, ये तीन, चार, पांच, अभी इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए
ज्वाइन करने के बाद उस धागे को काट लेंगे। ये देखिए हमारा ये गुलाब का फूल बन के तैयार हो गया है। देखिए देखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है और इसे बनाना कितना ईजी है।